चंडीगढ़ प्रेस क्लब चंडीगढ़ का सबसे बेस्ट क्लब नहीं है, पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट क्लब है। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं यहाँ क्लब का मेंबर बना था 1990 में, और मुझे अब इसलिए फ़ख्र ज़्यादा हो रहा है कि उस क्लब का मैं अब प्रेसिडेंट हूँ, और पिछले साल भी मैं प्रेसिडेंट था, इस साल भी दोस्तों ने मुझे चुना, लोगों का प्यार था, लोगों ने बहुत साथ दिया और फुल मेजोरिटी से पूरी टीम को जिताया। सर अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने किसी मतलब सर को लाइक काफ़ी अच्छे रिप्यूटेड रिपोर्टर है, मैं उनका नाम भी बोलूँगी, बट उन्होंने अभी अभी बोला था कि न्यू मीडिया एक थ्रेट है ट्रेडिशनल मीडिया के लिए, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये आने वाला समय है वो न्यू मीडिया का है। अब नई जनरेशन कहती है ये जो पुराना जो परंपरा चली आ रही है उससे हटो, अखबार लेके खोलो, एक एक पन्ना पलटो, पंखा चल रहा है, पेज उड़ रहे हैं, तो अब तो नेट पे सब कुछ आपके हाथ में है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आप क्लिक करते हैं, चलते चलते कहीं भी सफ़र भी, इवन एरोप्लेन में भी बैठे आप खबरें देख रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे खबर देख रहे हैं, आपको कोई पन्ने पलटने की जरूरत नहीं, मैगजीन पलटने की जरूरत नहीं, मोबाइल हर किसी के हाथ में है। तो वाकई ये, पर ये भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खतरा इसलिए भी नहीं है, थोड़ा सा जो प्रिंट मीडिया का इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें आदमी थोड़ा सा जल्दी डूब जाता है, उसमें एक तो आर्टिकल्स, उसमें वर्ड्स बहुत हैं, 20 और 24 पेज का अखबार है, उसमें मैटर बहुत पढ़ने को और नॉलेज ज़्यादा गेन करने के लिए आपको एक कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत महसूस होगी कभी पूरी, जब नई जनरेशन से थक जाएगी तो फिर वो प्रिंट मीडिया भी पढ़ेगी देखेगी। हाँ, ये है कि फिलहाल चलते चलते जो है एकदम से खबर अगर मुझे देखनी है तो मैं मोबाइल ही पकड़ूंगा, मोबाइल में देखूंगा, तो ये है दोनों चीज़ें। सर अब न्यू मीडिया चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है, लाइक काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, तो सर क्या प्रेस क्लब इसके लिए आने वाले टाइम में कुछ करेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। न्यू मीडिया में कुछ लोग तो ना सिर्फ दिखावे के लिए ना पोर्टल एक बना लेते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, प्रेस अपनी गाड़ी पे प्रेस, मैंने आज तक अपनी गाड़ी पे प्रेस नहीं लिखवाया और ये ज़रूरत भी नहीं है, आपको अगर दिखावे के लिए कर रहे हो, हाँ पोर्टल शुरू कर दिया, उसका पोर्टल का मिलता जुलता किसी न्यूज़पेपर के साथ मिलता जुलता अखबार, अपने आई कार्ड प्रिंट करवा के और लोगों को कह के आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस मीडिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई भी पोर्टल शुरू करते हैं तो बिल्कुल उसको अपडेट रखो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, और हमारे लिए मुश्किल ये हो रही है कि चंडीगढ़ प्रेस क्लब में इतने पोर्टल्स की एप्लीकेशंस आ गई हैं जो मेंबर बनना चाहते हैं, पर पोर्टल दिखाई नहीं देते, उसमें खबरें नहीं है, अपडेट ही नहीं होता कुछ में उसमें, फिर भी वो कहते नहीं हमें मेंबर बनाओ, तो इसलिए हमें हमारे लिए डिसीजन लेना, थोड़ा इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो तो अब babushahi.com है, एक पंजाब न्यूज़ करके है, अब उन जैसे हमें ये कुछ ना कुछ क्लियर करना पड़ेगा पॉलिसी बना के कि जो पोर्टल बहुत अच्छे हैं उनको मेंबर बनाया जाए, उनके उनके जो जर्नलिस्ट हैं और पोर्टल चला रहे हैं डेली, बड़े अच्छे पोर्टल्स हैं, उनमें खबरें बहुत अपडेट होती हैं डेली, कुछ ना कुछ नया मिल रहा है पढ़ने को, तो वो हम बनाएंगे। तो सर लाइक आप फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अच्छा कौन सा है? हाँ, वो उसके लिए टीम हमारे कमेटी बनेगी, जैसे स्क्रीनिंग कमेटी है, वो देखेगी कौन सा पोर्टल जो है बहुत अपडेट है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉपर तरीके से जो चल रहा है, फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, फर्जी नहीं होना चाहिए, और अगर अच्छा पोर्टल है तो उसके उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनको मेंबर बनाने में वो जल्दी ही काम करना शुरू कर देंगे। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन भी वैलिड होगी कि अगर कोई पोर्टल के नाम की रजिस्ट्रेशन? हाँ, वो रजिस्ट्रेशन तो होती है, रजिस्ट्रेशन तो पोर्टल की होती है, पर पोर्टल में सबसे ज़्यादा ये है कि वो कितना लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसमें कैसा मटीरियल है, कैसी खबरें हैं, अच्छा पोर्टल अच्छी खबरें लेके आएगा आगे, और लोगों में अगर फेमस होगा 10 लोग बता देंगे हाँ यार babushahi.com बहुत है, इतने क्लिक है, क्लिक तो फर्जी भी हो सकते हैं, पर लोगों में एक माहौल बन जाता है कि यार ये पोर्टल जो है ना, अब मैं देखता ही देखता हूँ, मैंने पंजाब पेज अगर खबरें बना रहा हूँ, मैं ट्रिब्यून में काम कर रहा हूँ तो मुझे पंजाब पेज की खबरें बनानी, तो मैं पंजाब न्यूज़ खोल के देखता हूँ आज क्या अपडेट है, और कोई नहीं, मुझे पता उसमें होगा ही कुछ नहीं, और भी हैं जो अब आपका पोर्टल है द शो टाइम, द फर्स्ट यूथ और एंटरटेनमेंट नेटवर्क है, तो यूथ से रिलेटेड कुछ भी मुझे देखना है तो मैं क्लिक करूँगा और मुझे कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। शहर में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत सारे
यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे अगर मुझे देखने को, झनकार यूथ फेस्टिवल होता है, ऑल इंडिया लेवल पे परफॉर्म करते हैं लोग वहाँ, तो नेचुरली वो आपको आप कवर करेंगे, मुझे पता है कि वहाँ झनकार यूथ ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल हो रहा है, तो आपका मैं जब जैसे ही यार झनकार के बारे में मुझे कुछ देखना है तो मैं क्लिक करूँगा, अभी है कुछ अगर तो होगा तो वाकई आप काम कर रहे हो, ये है। तो ये भी हो सकता है सर, कभी कभी रिसोर्सेज की कमी हो जाती है या कुछ हो जाता है, लाइक काम करना जाता है बट रिसोर्सेज की कमी है या मीडिया इनवाइट्स या प्रेस रिलीजेस या इस चीज़ की कमी है, सो कई बारी वो ऑनलाइन पोर्टल वहाँ पर पहुँच नहीं पाते जहाँ पर वो पहुँचना चाहते हैं। हाँ ये इसके लिए बड़ा, ये भी जैसे चंडीगढ़ में अगर आप कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले टू डेज इंगेजमेंट आप कॉलम देख सकते हैं शहर में क्या हो रहा है, बहुत सारे क्लब्स में जैसे चंडीगढ़ प्रेस क्लब है, यहाँ बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीट द प्रेस होती हैं, लोग आते हैं, तो यहाँ से तो आपके आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह मिलेगी कि आपके मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है, इमीडिएटली जब भी हम मैसेज करेंगे तो हर प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो सर कितनी जल्दी हम देखेंगे कि ऑनलाइन मीडिया या न्यू मीडिया यहाँ पर इमर्ज होएगा या कुछ एक रिप्यूटेड कुछ उसके ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बनेगी? न्यू मीडिया के लिए जल्दी ही क्योंकि उसमें मिस्टर डॉन हैं, डॉन बनर्जी वो चेयरमैन हैं स्क्रीनिंग कमेटी के, हमने उनको कहा भी है कि न्यू मीडिया में जितने भी पोर्टल्स आप देखिए, जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको उनकी स्क्रीनिंग करके चेक करो आप, अगर वो तो लगती है फेक है, फर्जी है वो आपकी साइट वेबसाइट या ई पेपर, तो उस एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर दो, और जो वाकई न्यू मीडिया में अच्छा काम हो रहा है कोई तो उसको मेंबर बनाने में कोई हमें दिक्कत, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब वो क्योंकि हम बना भी देते हैं फर्जी को, तो लोगों को तो सबको पता है, मेंबर्स को बड़े अवेयर है, मेंबर जर्नलिस्ट बड़े अवेयर हैं, किसी को भी हम गलत तरीके से बनाएंगे वो ठीक नहीं। हाँ वेबसाइट अगर चलती है और उसमें रोज अपडेट हो रहा है तो वो पक्का मेंबर बनेगा बनेगा, ये उनको पता है, डॉन साहब को, डॉन साहब न्यूज़ चीफ न्यूज़ एडिटर द ट्रिब्यून, वो इसके चेयरमैन है, तो वो हो जाएगा। शो टाइम, आपने ये जो न्यूज़ पोर्टल ई पेपर शुरू किया है, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको, और ये वाकई जर्नलिज्म अब नए लोगों का, न्यू मीडिया जो है नए लोगों का, यूथ का है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली चैनल्स देखो, उसमें क्या कुछ नया है, हमेशा सोचते रहो जर्नलिज्म के बारे में, मैं क्या बेहतर क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरी ये आपसे गुजारिश है। दूसरा ये है कि कहते रहे कि शुरू में एक शेर है, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, ऐसे कारवां बनता जाए आपके साथ लीडरशिप जुड़ती जाएगी। अब बहुत छोटे लेवल पे शुरू हुए थे, पंजाब केसरी ट्रिब्यून, उन्होंने आज देख लो कहाँ वो किस लेवल पे, छोटा सा वृक्ष आज वो वट वृक्ष बन चुका है। तो आपका भी ये जो शो टाइम है, मुझे लगता है कि फर्स्ट यूथ ओरिएंटेड नेटवर्क है, और आपने नौजवानों को, युवा पीढ़ी को इसमें शामिल किया है, तो आप तो कामयाब पक्का होंगे, ये मेरी गारंटी है कि आप छा जाओगे। कहते थे एक बड़ा अच्छा शेर है, लगा लें जोर जितना हवाएं आंधियां बनकर, लगा लें जोर जितना हवाएं आंधियां बनकर, जो बादल घिर के आते हैं, जो बादल घिर के आते हैं वो आकर छा ही जाते हैं। आप पक्का छा जाओगे इस मीडिया में, जिस तरह से आपकी ये सोच है द शो टाइम, शो टाइम उसमें हर रोज एक नई चीज बिल्कुल हट के दिखाओ, एक बार लोग देखेंगे उसको, क्लिक करेंगे, बार बार क्लिक करेंगे, आपको हजारों रीडर मिलेंगे डेली। तो मेरी ये ईश्वर से दुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो मीडिया है, न्यू मीडिया में आपने एंटर किया, तो ये खूब बढ़े, और आप भी इससे प्रसिद्धि आपसे आपको मिलेगी मिलेगी, आप फेमस हो जाओगे, क्योंकि जो इसके पीछे है वो नहीं, जो करने हैं वो रिपोर्टर्स, जो डेस्क स्टाफ है वो ज़्यादा पैसा लगाने वाले बहुत लोग आएंगे, और वो उसके साथ साथ टैलेंट जो है वो काम आता है, तो आपको फील्ड में जाकर और अच्छी स्टोरी ढूंढनी चाहिए, कोशिश करो रोज कुछ नया करो, और मेरी यही दिली इच्छा भी है कि आपका चैनल ये खूब बढ़े।